नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं अदिति, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मेरा वार्ड मेरी समस्या में। मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज बात करेंगे कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड संख्या 37 की। इस वार्ड में आने वाले ट्रांसपोर्ट नगर में पिछले लंबे समय से नालियों की सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण बारिश में जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल हुई बारिश के बाद दुकानों के सामने एक एक फीट पानी भर गया, जिससे उन्हें दुकानों और घरों तक पहुँचने में दिक्कत आ रही है। कचरे की वजह से नालियां ब्लॉक पड़ी है और पानी भरकर खाली प्लॉटों में भर गया है। इसी के साथ ही कई जगह पर नालियों का पानी सड़कों पर फैल रहा है। इस संबंध में लोगों ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को भी अवगत करवाया है और समस्या समाधान की मांग की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर में कभी भी सफाई कर्मचारियों को कार्य करते हुए नहीं देखा गया। नालियां लंबे समय से चौक पड़ी हुई है और यही कारण है कि यह बारिश में मुसीबत का कारण बनी है। सुबह तो बहुत ज्यादा पानी था इसमें, तो निकल में निकलने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। नाले बिल्कुल चौक पड़े हैं सारे। सफाई नहीं हुई इस बार? कहाँ हुई सफाई, देख लो ना आप, आपके सामने ये देखो पूरा, दिखाओ आप, दिखाओ थोड़ा सा इधर घुमा के दिखाओ इस तरीके से। कब से ये समस्या बनी हुई है? ये तो कल रात को ही बरसात आई, वो लपक के जब से दो दिन से पानी पड़ा है, जब से ये समस्या आ रही है। आने जाने का पूरा ही रास्ता बंद है, पूरा ही देख लो। सूचना नहीं दी आपने? सबको दे दी, सबको सूचना। नाम बताएं आपका? आलोक। दिक्कत आई है? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही, बहुत परेशानी आ रही। रात भर पानी था और अभी भी पानी है, नाला चौक पड़ा है। ये देखो ना आप, इधर इतना नाला चौक था जिसके कोई आदमी नहीं है। सफाई नहीं हुई यहाँ पे? सफाई कहाँ, आते कर्मचारी देख के चल जाते हैं बस। सुबह भी आए थे वो? सुबह भी आए थे, सुबह भी कुछ भी नहीं करके गए, न्यू के न्यू निकल गए। वो बहुत पानी बड़े पड़ा रहता, काम करने की दिक्कत आती, ट्रांसपोर्टरों को दिक्कत आती, सभी वैकनिक वगैरह सभी जितने भी हैं सबको परेशानी आती। नाम बताओगे? अल्पू पठान। कितनी? कुछ भी नहीं, वैसे नाले की सफाई नहीं हो रही। कब से नहीं हो रही नाले की सफाई? नाले की काफ़ी दिन हो गए, पूरी बरसात पहले की भी बरसात में पानी भरा था फुल, और अभी फल फल पानी भर रहा है। अभी कितनी दिक्कत आ रही है यहाँ? अभी तो पैर रख रहे हो, देख लो आपके सामने कितना है, वो कैसे निकले अंदर दुकान में, नालियों का पानी आ रहा है। साफ सफाई करें या कैसे करें, गिरा के वो खा मिटाए नालियों के पानी के अंदर। सफाई कर्मचारी आते नहीं आते क्या? नहीं आते, देखा ही नहीं कर्मचारियों को, तो कोई कहाँ कौन करता है, देख भी कोई नहीं है, पता ही नहीं है यहाँ का। तो नाम बता दो। संजय जैन। परेशानी आ गई बारिश से? सबसे ज़्यादा परेशानी व्यापारी को हो रही है, उनके यहाँ दुकान पे कोई ग्राहक आता है तो जाने का रास्ता नहीं है, पूरा रास्ते बंद पड़े हैं, नाले पूरे चौक हैं। ट्रांसपोर्ट नगर के निगम को और सभी अधिकारियों को बता दिया गया है, लेकिन सुबह से समस्या का समाधान नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी निगम में, प्रशासन में। विधायक साहब को अभी फ़ोन कराए, उनके मार्फत से जैसी भी आ रही है। सफाई कराई गई थी लेकिन पूरी तरह से सफाई नहीं हुई नालों की, उसी वजह से आज ये हालत हुई। एक बारिश में तालाब बन गया है, और अगर दूसरी लगातार बारिश हुई दो चार घंटे तो पूरा ट्रांसपोर्ट नगर तालाब बन जाएगा। नवीन खत्री, पूर्व सचिव कोटा ट्रांसपोर्टेशन। समस्या बहुत गंभीर है, यूआईटी प्रशासन, नगर निगम, वार्ड पार्षद सबको समय समय पर सूचना दे देते हैं। ये संज्ञान में माननीय विधायक श्री संदीप जी शर्मा के भी है, उनको भी, उन्होंने अभी इसके समाधान के लिए जेसीबी वालों को फ़ोन किया, जेसीबी आ रही है, इसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रशासन के नाकारा रवैये से पूरा ट्रांसपोर्ट नगर ग्रसित है, और भी हमारी कई समस्याएं हैं जिसमें अतिक्रमण है, जिसके लिए करीब 50 बार लेटर दे चुके जगह, उसके लिए प्रशासन कुछ सुनाई नहीं करता, और एक ही छोटी सी बरसात में आज ये स्थिति है कि ट्रांसपोर्टर अपने स्थान पर व्यापार करने के लिए जा नहीं सकता, उसकी दुकान के सामने के रास्ते बंद हो चुके हैं। नालियों की सफाई नहीं हुई, इसकी वजह से हुई है या क्या पार्षद? मेन नालियों की सफाई नहीं है, नाले सारे चौक हैं, सारे चौक पड़े फुल, और एक भी नाला क्लियर नहीं है। बल्कि इवन देन जो सुलभ कॉम्प्लेक्स है उसकी भी सफाई नहीं हुई थी, वो भी बड़ी मुश्किल से व्यवस्था करके सफाई करी नहीं, उसका मलबा सारा रोड पे था, और सुलभ कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ एक ही है, उसकी भी स्थिति। नाम बताते हैं आप? मधुसूदन खंडेलवाल, अध्यक्ष।